सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तुझे दुश्मन को सपने में देख के डर गया था माँ। अरे गलत धंधे को छोड़ दिया ना, अपने घर को छोड़कर इस तबेले में ले आया, फिर भी तेरे मन से डर नहीं भागा? किया हुआ पाप पल पल डरा रहा है माँ। अच्छा सुन, सर के नीचे तलवार रखकर सोना छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत, सेंट्रल जेल के चौथे बैरक में मुझे उड़ाने का पूरा प्लान बनाया था उसने। दादा वो हमला करने वाला है। इतना जिगर वाला है वो, और मैं एड़ा हूँ क्या? उसको पुलिस सपोर्ट है, थोड़ा होशियार है ना। अरे मेरा पाला हुआ कुत्ता है वो जीपान जी चंद्रा, मुझे काटने आया तो मैं चुप रहूंगा क्या? अरे उसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में फेंक दूंगा। दादा अब मैं क्या करूं? कल सुबह तुम सब दूसरे अड्डे पर आकर मुझसे मिलना, समझे? क्या बहुत शोर है? अरे अभी मैं मामा जी का दिया हुआ गेस्ट हाउस है ना, उसी में हूँ। इंग्लिश फिल्म देख रहा हूँ, फाइटिंग फिल्म है, उसी की आवाज है। ये जिंदगी आसान नहीं है, कोई भी गुंडा चैन की नींद कभी सो नहीं पाता। कब कौन हमला करेगा, कब कौन छुपकर मारेगा, कब कौन दगा करेगा, इसी फिक्र में जीते हैं ये लोग। नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं ना, मेंढक को सांप पकड़ता है, सांप को चील और चील को शिकारी। इसी तरह है ये गुंडे, वो खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारने के लिए हर मिनट प्लान बनाते हैं। हमारा जो प्लान है पक्का प्लान है। आज हर हालत में तुम लोगों को शक्ति को मारना ही होगा। आज अगर वो जिंदा बच गया तो हम सब लोगों को किसी मंदिर में कीर्तन करना होगा। मंदिर में कीर्तन करना कंफर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई जी शक्ति को क्या समझते हो, कोई रुई का ढेर है जो तुम लोगों से उठा लोगे? ए डॉन है वो डॉन, उस शक्ति का नाम सुनते ही सारा शहर थर थर कांपने लगता है। क्या बताऊं बाप, कितने लोगों को पाल रहा है, न जाने कैसी कैसी चाल चल रहा होगा वो। अरे पुलिस में भी उसके मददगार है, यहाँ के सारे गुंडे उसका साथ दे रहे हैं। भाई जी बहुत माल खिला रहा है मालूम है भाई जी। शक्ति के सामने गया तो धोनी के सिक्सर मारने जैसा दुश्मनों का सर उड़ाता है। ये आज भी बाजार में दशरथ है तो सिर्फ शक्ति के नाम का ही है भाई जी। हाँ थू, तो अपना मुंह बंद कर। राजा मुंह बंद कर। अरे सुनो भाई, नादान लोंडो के चक्कर में पड़ोगे
तो बाद में घंटा हिलाते रह जाओगे भाई जी। अपना कफन खरीद लो और तुम लोग भी अपना खरीद लो। अपन का क्या बोल। कल आखिरी साइन करने के लिए शक्ति श्रीराम पुलिस स्टेशन आने वाला है। दादा शक्ति किनो थिएटर पार कर गया। दादा मुझे चित्रकर पार कर दिया। साइन करो शक्ति। दादा शक्ति पुलिस स्टेशन से निकल चुका है। गाड़ी तेज भगा। अरे दादागिरी करे शक्ति, आज तुझे जिंदा बच कर जाने दूंगा। मारो मारो। शक्ति कहाँ है रे? शक्ति शक्ति नहीं है अंदर। शक्ति अपने चमचों की वजह से शक्ति भाग गया। लानत है तुझ पे। और कैसे प्लान बना कर देना चाहिए तुम लोगों को? वो बात नहीं है भाई, जिंदा छोड़ के बेवकूफी किया। ए मोबन कर हमला करके छोड़ दिया, वो हमें छोड़ेगा क्या? अब शक्ति हमारे पीछे पड़ेगा। धत तरीके मुझे बर्बाद करके छोड़ोगे तुम लोग? कुछ भी हो जाए भाई तुम हॉस्पिटल से बाहर मत आना। हेलो मोटो। हेलो बोल। गुरु खबर मिली है वो चक्रवर्ती हमारे डर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। और दो घंटे के अंदर तू आश्रम में रहेगा और उसका खात्मा करेगा। शक्ति रेड मार दिया। हथियार निकाल, खत्म कर दे उसे। चलो चलो। शक्ति, अब
दुष्टों को काट काट के भी नाश कर दे तू प्राणों को हरने वाला। शिव रूप का धारण करना महाकाल बन जाना, पापियों का संहार तू करना, मानव तो सदा बचाना। हाँ जानता हूँ, मैं तो पिछले हफ्ते ही मर गया समझा था, लेकिन वो तो एक हफ्ता लेट मरा। उस रवड़ी की चार्जशीट को फाड़ दो, उस फाइल को बंद कर दो। ये तो एकदम ही शशा शक्ति, उन बदमाशों का इस शहर के गुंडों की सूची से हटाना ही होगा। ऐसा कोई तगड़ा गैंग था ये सबको भूलना होगा। ऐसी चाल चलेंगे, लेकिन अभी हमारी सुरक्षा जरूरी है। पुलिस और दुश्मन एक साथ हमला करेंगे तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अभी हमारे मंत्री महोदय दिल्ली में है, अपनी बात उनके कानों में पहुंच चुकी है, तुम उसकी चिंता मत करो। बस तुम लोग एक काम करो, जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा करते रहो। अब मुझे क्या करना है बोलो। तुम सीधे मंत्रालय चले जाओ, वहाँ हमारा लड़का राजा रवि आज ही तुम लोगों के लिए सारी व्यवस्था कर देगा, समझ गए? ठीक है। ठीक है। अरे शक्ति भाई, आओ आओ, कैसे हो शक्ति भाई? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब कुछ ठीक चल रहा? हाँ, सब ठीक है। शक्ति, नागा से सुबह फोन पे बात हुई, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है। क्या है? नक्सलाइट्स ने एक स्टेशन को बम से उड़ा दिया है, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ फार्म हाउस में नहीं ठहरा सकता। तो क्या हम फुटपाथ में रहेंगे? ओए, मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम लोगों के रहने का इंतजाम मैंने यहाँ के एक मंदिर के पुजारी के घर में कर दिया है, तुम पर किसी को शक नहीं होगा। पापियों को ले जाकर पुण्य करने वाले के घर में रख रहे हो? अच्छा है, हमारा पाप कुछ कम हो जाएगा। यही रहते हैं पुजारी। ओहो पुजारी जी। ओ नमस्कार रवि बाबू। नमस्ते, आपके दूसरे घर में मेरे मेहमान आके ठहरेंगे, आपको बोला था ना यही लोग है। नमस्ते। नमस्कार, आइए आइए पुजारी जी। जी, इन्हें अपने ही लोग समझिए, शांति प्रिय लोग है। वो भी शुद्ध शाकाहारी। अच्छा। इनके पिताजी मेरे बहुत खास है। अच्छा, अच्छा। इसीलिए इन्हें इधर लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखिए यहाँ चाय कॉफी नाश्ता खाना पीना सब आपको समय पर मिल जाएगा, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। बहुत खुशी हुई। Thank you.
मेरी ट्रेन टिकट बुक करवा दिए ना? करवा दिया बेटी। दादाजी, कब तक आप इस तरह अकेले रहेंगे? आप हमारे साथ रह के रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं ना? प्लीज दादाजी। कैसी बात कर रही हो बेटी, मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, पूजा पाठ से भला कैसे रिटायर हो सकता हूँ? और फिर मैं अकेला कहाँ हूँ बेटी, साक्षात राघवेंद्र स्वामी के साथ रह रहा हूँ मैं। ये सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है, ये तो मेरे पुण्य है कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ। पुजारी जी, यही घर है। पुजारी जी, अंदर ही होगा। ये सब क्या है नारायण जी, फल फूल मिठाई सब लेकर आए हैं। पुजारी जी, हमें आपका आशीर्वाद। अरे अरे, उठो 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 उठो, ये सब क्या है? हाँ, किस्मत वाले हो तो तुम ही हो पुजारी, इसराइल सीमा घराने के संबंधी बनने वाले हो। संबंधी? ये क्या बोल रहे हैं नारायण जी? चाचा जी, यही है मेरी महालक्ष्मी। शाबाश, रम्बासी खूबसूरत और उर्वशी सी कोमल, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। हे पुजारी, अपनी पोती से पूछो। क्षमा कीजिएगा नारायण जी, शादी कोई बच्चों का खेल है? मेरी फूल सी बच्चे को उस पागल आदमी के हवाले कर दूं, मैं अनुमति नहीं दे सकता। अरे कौन गधा तुमसे इजाजत मांग रहा है, हमें लड़की चाहिए तो चाहिए। हाँ बस, क्या धमकी दे रहे हैं, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। सिर्फ पुलिस कंप्लेंट मत देना, नारायण सिंह तुम्हारी पोती को उठा के लेके ऐसा FIR भी दर्ज करा देना। ऐसा क्या? क्या देखता है, वो तुम्हारी अमानत है, उठा के ले जाते हो या लेके भाग जाते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकर आओ बेटा। क्या हुआ पुजारी जी? रवि कहाँ है? वो बाहर गए हुए हैं। खाली पीली चिल्ला रही है, उसका मुंह बंद करो। क्या करूं चाचा जी? एक ही रास्ता है उसके लिए। क्या है? शादी होने के बाद सुहागरात मनाने का दुनिया का दस्तूर है, लेकिन शादी से पहले सुहागरात हमारा दस्तूर है, जाके वो कर अपने आप चुप हो जाएगी। बेटा बड़ा अनर्थ हो गया, और दुष्ट नारायण मेरी पोती को उठा कर ले गया। किसी तरह उसे बचा लो बेटा, कुछ भी करके उसकी लाज बचा लो। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, नदी किनारे उसका घर है, जाकर उसे बचा। क्यों रे, यहाँ मारने आया क्या? मरने नहीं, मारने आया हूँ। Oh.
अभी तक तुमने ना मर्दों को देखा है, मर्दों से तेरा सामना नहीं हुआ है। बेटी भूमिका, बेटी तुम ठीक ठाक हो ना बेटी? बेटा तुम्हारा ये उपकार मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगा। कहां मर गया था तू? तेरी क्या? शक्ति तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? आज के बाद अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो मैं उनको जान से मार डालूंगा, जाके बोल। नमस्कार बेटा। हाँ नमस्ते। क्या बात है बोलो। I'm sorry, शक्ति, एक खास बात है। चलो चलो, नागा का फोन आया था। सब कुछ रेडी है, तुम्हें जाना ही होगा। ओके। ये गाड़ी पुलिस की नजर में आ चुकी है, इसलिए तुम लोग ट्रेन से जाओगे। तुम लोग निकलो, गाड़ी को बाद में भेज दूंगा। बेटा मेरी बेटी बेंगलुरु जा रही है, उसे अकेली भेजने की हिम्मत नहीं है मुझमें। कहीं फिर उस दुष्ट ने दोबारा गड़बड़ कर दी तो? इसे सुरक्षित घर तक पहुंचा दो बेटा। जी अच्छा। बेटी जाओ। बेटी चलती हूँ दादाजी। चाचा मैं इसे छोड़ आता हूँ। हाँ छोड़ो बेटा। आओ बालिके। बैठो बैठो। बालिके तुम्हारा नाम क्या है? आप भी बैठिए ना। मैं पास में ही रहूंगा। शक्ति इसको घर तक हिफाजत से पहुंचाने का वादा करके ढील दे रहे हो? अरे हम तो पास में ही रहेंगे ना। हाँ पास में, हमको टिकट मिला है उस बोगी का। उधर देखो स्वामी जी लार टपका रहे। बालिके कहाँ जा रही हो? जब तक हम साथ हैं फिर क्या बात। इसको कैसे उठाएंगे? एक मिनट रुको ना स्वामी जी। आपको क्या कष्ट है बालक? ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है, उनके बीच में बैठ के आप क्या प्रवचन देंगे? आइए इधर आइए आइए। स्वामी जी देखने में हल्का है लेकिन बहुत भारी, इसमें है क्या? आइए बैठिए स्वामी जी, आपने बड़ा उपकार किया हम पर। हाँ? इसमें उपकार की क्या बात है, आज मैं स्वामी हूँ, एक जमाने में प्रेमी हुआ करता अच्छा, था। अच्छा प्रेमी। टिकट प्लीज। ये लीजिए। आपका बर्थ नहीं सिर्फ सीट है। ओके। उन गुंडों से आपने मुझे बचाया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। चाय 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 लो भाई। चाय चाहिए भैया? दो चाय देना। बहुत अच्छा है। आप सिगरेट भी पीते हैं? कभी कभार पी लेता हूँ, कोई एतराज? प्लीज यहाँ मत पीजिए, मुझे उसकी स्मेल भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है। Yeah.
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कितनी बार कहा है कि ये रामलीला धर्म बोध माला जपना मेरे साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना चाहिए, नाम कमाना चाहिए। जब भी वो कुछ बोलेंगे तो 10-15 लोग उनके सामने हाथ बांधकर उनकी बात सुनना चाहिए। हम गाते हैं तो लोग हाथ जोड़ के सुनते हैं पिताजी। चुप रह। बंद कर अपना मुंह। मास्टर जी कह रहे थे बड़ा लड़का बहुत होशियार है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो छोटा वाला है हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। मास्टर जी मुर्दाबाद कहते रहता है। मैं क्या करूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। गुस्सा करना छोड़ दीजिए पिताजी। अबे चुप कर, तू क्यों उसकी वकालत ले रहा है? नहीं जी, चार पुश्तों से रामलीला सुनाकर ही हम परिवार पालते आए हैं ना। और क्या करते, हमारे बाप दादा की किस्मत फूटी थी इसलिए रामलीला सुनाकर हम भोजन पाते थे। हमारे बच्चों की किस्मत ऐसी नहीं होनी चाहिए बोलकर उन्हें पाठशाला में डाला हूँ। सुनाओ, आखिरी बार बता रहा हूँ, आइंदा अगर इनके हाथों में कोई ताल वाल देखा ना। अबे सुन, ए रमेश। हाँ गुरु। उस लड़की को तुमने देखा? नहीं गुरु, क्यों? नहीं, नहीं, नजर नहीं आ रही। तुम जाओ उस तरफ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी देखो। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई से बैंगलोर जाने वाली नवजीवन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 6 से थोड़ी ही देर में रवाना होगी। अटेंशन प्लीज, नवजीवन एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर विल स्टार्ट शॉर्टली। मिली क्या? नहीं सकते। कहाँ है? कहाँ चली गई? पता नहीं। गुरु उधर देखो। कहाँ चली गई थी? मेरे कारण आपकी सिगरेट गिर गई थी ना, इसीलिए आपके लिए सिगरेट लेने गई। I'm sorry. चूड़ियाँ लीजिए दीदी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, अनारकल की चूड़ियाँ दीदी लीजिए ना। नहीं चाहिए। भाई साहब आप बोलिए ना। कहाँ ना नहीं चाहिए, आप बोलिए ना भाई साहब। दे दो, दो ना। लीजिए दीदी। कितना हुआ? 20 रुपये। ये लो। वो नहीं तो हो गई। दो पैकेट देना। पेपर लीजिए, पेपर। हाँ दीदी पेपर लीजिए, दीदी पेपर, पेपर लो भैया, पेपर ले लो। हाँ पेपर ले लो दीदी, पेपर पेपर। एक पेपर दो ना, ये वाला। वो वाला? हाँ वही वाला, ये लीजिए। ये लो, जाओ जाओ जाओ। पेपर पेपर लीजिए, पेपर 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 लीजिए, पेपर। नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या हुआ? नमस्कार नमस्कार। वैसे
तुम्हारा घर कहाँ है? गांधीनगर सेकंड स्ट्रीट। रमेश, इन्हें ले जाकर गांधीनगर में छोड़कर आ। ठीक है गुरु। आप नहीं आएंगे? आइए भाई। नहीं, मुझे कुछ काम है। आपने अपनी जान पे खेलकर मेरी इज्जत बचाई है। अगर आप घर चलेंगे तो अपने माता पिता से मिलवा सकती हूँ, उन्हें बहुत खुशी होगी। प्लीज चलिए ना। नहीं, मैं अगली बार जरूर आऊंगा, अब मुझे कुछ काम है। रमेश लेकर जाओ। आइए बहन जी, बैग दीजिए। हाँ जाओ, आइए आइए। चलो चलो चलो। हेलो बेटा। हेलो। हाँ पिताजी, मैं ही बात कर रहा हूँ। हाँ भूमिका सही सलामत पहुँच गई है, उसी को देता हूँ फोन मैं। दादाजी लाइन पे। हेलो दादाजी, हाय। सही सलामत पहुँच गई ना? आराम से पहुँच गई, कोई परेशानी नहीं हुई। शक्ति ने घर तक छोड़ा ना? हाँ, उन्होंने मुझे घर तक पहुँचाया। भला आदमी है। हाँ दादाजी, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। तुम भी कमाल करते हो। यू नॉटी। तुम कब आए? मुझे आए 10 साल हो गए। वो तो मैं जानती हूँ, मैं पूछ रही हूँ तुम यहाँ घर कब आए? जस्ट 3 डेज। इसी तरह की शैतानी करता है, इसीलिए दीदी मेरे पास छोड़ के गई। आज तक तो एक शैतान था, आज से दो शैतान तुम्हें झेलने पड़ेंगे। हाँ दादाजी। हेलो, आई एम बद्रीनाथ हियर। डैडी आपके लिए फोन है, कोई बद्रीनाथ है? अच्छा तू चल नहा ले, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मिस्टर शर्मा, आपके बंगले के लिए हमने आपको जो प्रपोजल भेजा था। इस मामले में मैंने पहले ही लेटर भेज दिया था ना कि किसी भी कीमत पर मुझे बंगला नहीं बेचना है। उस जगह पर एक मल्टी कम्प्लेक्स बनाकर हम समाज को प्रेजेंट करना चाहते। सुनिए, अगर आपको समाज सेवा करने का इतना ही शौक है तो आप अपनी सारी हस्ती को बेचकर फुटपाथ वालों पे एहसान क्यों नहीं करते? कामों का मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आई वांट दैट प्रॉपर्टी, टेल मी द रेट मिस्टर शर्मा। लुक मिस्टर, ये बंगला हमारे पूर्वजों की एक यादगार है, यानी कि हमारी पारंपरिक संपत्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा इस बंगले से भावनात्मक संबंध भी है। मेहरबानी करके इसे भूल जाइए। आप एक परिवार वाले हैं, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों जी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? आज भी हमारे देश में कानून जिंदा है, ये मत भूलिएगा। आई कैन फाइट विथ यू लीगली, सो शट अप एंड कीप द फोन डाउन। ओके? हेलो हेलो स्टूपिड। पापा, वकील लोग किताबें पढ़ पढ़ कर कानून को पी चुके हैं और तुम गुनाह कर करके कानून को पी रहे हो। सर, बेल ऑर्डर तो मिल गया ना? मिला नहीं, फंस गया है तू। मेरे बेटे, तू मेरे को जानता नहीं है, अगर तुम ज्यादा हिलाई ना तुम को काट दूंगा। ये क्या है सर, ऐसे बोल रहे हैं जैसे सारे मर्डर मैंने किए हैं। पहले कारण बताएं तो जानू ना। कारण बताऊं? पूरी कहानी फिर से तेरे को समझाऊं, वक्त आने पे बोलूंगा। अब निकल चलते हैं सर। उस डीसीपी से भी ज्यादा मेरी होम मिनिस्टर खुर्राट है। लो अभी सुनाता हूँ उसकी गालियाँ। हेलो। अरे लफंगे, तुझको जरा भी लाज शर्म मान मर्यादा नहीं है? मेरी किस्मत खराब थी जो तुझसे शादी की। यहाँ मत आना, अब कभी भी घर मत आना। उसी रखेल के घर में जाके मर। छे, तुझे बाल बच्चे बीवी किसी का ख्याल नहीं? 5 मिनट में आता हूँ बोलकर 5 दिनों से सूरत तक नहीं दिखाई। कहाँ मर रहा है तू? तुम्हारा पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, ऐसा पड़ोसियों को तुमने बताया, फिर उसी की तरह तुम भी जरा शांति से रहो। हाँ उठाती हूँ झाड़ू, तू आ तो। अगर आधे घंटे में नहीं आया तो देख तेरी क्या हालत करती हूँ। तू चल रही है, हम साइकिल चलाएंगे। तू क्या बोल रहा है, चुपचाप यहाँ बैठ। सुन साजन, या तो तू मेरी बात मानकर चुपचाप घर आ जा, या तो फिर अपने दुश्मनों का नंबर दे। ए, उनका नंबर क्यों? उसको सुपारी देकर तेरी टांग तुड़वा दूंगी, ताकि तू जिंदगी भर घर बैठा रहे। तू तो डाकू रानी फुलन देवी जैसी बोल रही हो। तू जब घर नहीं आता है तब तेरे दुश्मनों ने कहीं तुझे मार तो नहीं डाला? इस एहसास से मैं घबराती रहती हूँ, तेरे बुरे सपने आते हैं। इसीलिए डार्लिंग, तुझे इस राउडी से शादी करने के बदले किसी कंप्यूटर इंजीनियर से शादी करती और जिंदगी भर सुखी रहती। अब सुनो, मैं डाइवोर्स पेपर तैयार कर रहा हूँ। सुन प्यारे, मुझे सता मत, चुपचाप घर आ जा, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे डार्लिंग, मेरी खूबसूरती बिल्कुल क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। गुरु, 5 दिन हो गए हैं, मैं होके आता हूँ। क्यों, क्या बात है रमेश? जब देखो तुम लोग झगड़ते रहते हो, तुम मुंह खोलोगे तो लफंगे लगते हो और वो मुंह खोलती है तो लफंगी। तुम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत को समझ में नहीं आया। हाँ यही है गुरु मोहब्बत। मेरा पति मेरे साथ नहीं है इसलिए फिक्रमंद है, बीच बीच में गायब हो जाता हूँ ना,
इसीलिए शोर मचाती है, मुझसे मिलते ही सीमेंट की तरह चिपक जाती है। ये गुस्सा नहीं प्यार है, उसका चिल्लाना ही एक प्यारी अदा है। चिपके रहना ही संसार है, तुम भी किसी से शादी कर लो गुरु, पता चल जाएगा। उसको छोड़ गया था गुरु, ए चल। अरे ओ छोटू, जो चाय लाना। भैया चाय, ये दूसरी चाय किसके लिए? दो चाय बोला? हाँ। दो सी। एक बात बोलता हूँ दादा, चक्रवर्ती को उड़ा के तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज इस शहर में तुमसे बड़ा कोई दादा नहीं है। आज सारे शहर में तुम्हारा ही नाम है शक्ति। वो नमक हराम चक्रवर्ती दूसरों की जमीन पर कब्जा करके दादागिरी करता था। ए शक्ति, इस शहर पे कब्जा करने खातिर जो प्रोग्राम है कर, जो तू चाहत है ओकरा में हमार खर्चा हुई। गुरु मेंटेनेंस वगैरह भी करा देता हूँ। डिपार्टमेंट में पैसा पाने की तरह बहा के बिल ऑर्डर लेके आया हूँ मैं, तुमसे हो सकता है क्या ये सब? ठीक है नागा भाई, लेकिन इस शक्ति वह हमारा उस्ताद है। हाय गुरु, तुम्हें दो दिनों से खोज खोज कर मैं मेंटल हो गया। शक्ति ये चामचा है। ए मुझे चामचा मत बोलो तुम। ये क्या हालत बना रखी है, कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? नशे में छत्तीसगढ़ पहुंच गया गुरु, वहीं कारोबार शुरू करके एक छमिया को फांस लिया, अब उसे शादी करने वाला हूँ। ये रहा इनविटेशन कार्ड। शादी? अच्छा कर कर बेटा कर। अरे पार्टी का इंतजाम कहाँ किया? अरे आएंगे, आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आओगे मंगलसूत्र नहीं बांधूंगा। ऐसी मनुष्य बातें क्यों कर रहा है तू? तेरी शादी में हम लोग ना, ऐसे कैसे हो सकता है? उस चक्री की मौत की खुशी में हम लोग जरूर जश्न मनाएंगे। ए, यहाँ कौन सी पार्टी करेगा? ए तू क्यों फिक्र कर रहा है, सारा इंतजाम मैं करता हूँ। जम के मस्ती करो। मस्ती चाय मस्ती रे, मुझको तेरी मुझको कर दिया मस्ती रे। जवानी तेरी को फूलों सी खुशबू भरी, मेरे महबूब सी ने मेरे काम सुलझ उठी। मस्ती 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 चाय मस्ती रे, मुझको तेरी मुझको कर दिया मस्त रे। बेंगलुरु में ये दिल लुट गया।
कमर से कमर आधा आधा मस्त मस्त मस्ती मस्त चाय मस्ती रे मैं पुष्प तेरी मुझको कर दिया मस्त रे हमें मिले सवर जाए जीवन नहीं तो जीवन सुना सुना फिर ना मिले नॉट रेड बन जाए मर घर मस्ती 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 मस्त जाए मस्ती रे मुझका तेरी मुझको कर दिया मस्त रे जवानी तेरी को फूलों सी खुशबू भरी मेरे महबूब हे मस्ती 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 चाय मस्ती रे हे मुझका तेरे मुझको कर दिया मस्त रे मुफ्त काम करने के लिए बोल रहे हो ना बताओ क्या करना है कोई खास काम नहीं गुरु अपने कुछ लड़के भेज दो अपने शक्ति भैया का नाम ऊंचा कर देता हूँ हमारा काम पूरा हो गया तो शक्ति अपने आदमियों को नहीं भेजता जो भी हो डायरेक्ट डीलिंग होती है दादा आ गया तो बहुत अच्छा होगा सारा काम आसानी से निपट जाएगा फूल तोड़ने जैसा वो लड़की घर क्यों नहीं जाना चाहती है वो उसके पूर्वजों का मकान है ऐसा बोलकर घर खाली नहीं कर रही है गुरु अभी पूरी जवान भी नहीं हुई है एकदम कमसीन है जरा उसकी सूरत तो देखो नमकीन है भैया देखो देखो एक बार देखो सॉरी गुरु जो वो लड़की की मर्जी नहीं है तो उसको फोर्स क्यों करते हो क्यों ऐसा बोल रही है आज किसी के चीज को कोई बेचता है जैसे तुम लोग आकर समझौता करवाते हो ये सब धंधा नया है क्या फिर उसे खाली ना करने का कारण क्यों पूछ रहे हो मीटर मेटर ओके बोला तो खत्म ए बच्चे जरा अपनी औकात बता 25 लाख एक ही पेमेंट गुरु लैंड वैल्यू कितना है बाजार में 4 करोड़ का भाव है हाँ बोलो तो 25 लाख ज्यादा दिलवा देता हूँ 8 करोड़ दे दो काम कर दूंगा 8 करोड़ गुरु 8 करोड़ कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा गुरु उस लड़की को साथ मिला लेंगे तभी भी 8 करोड़ नहीं मिलेगा अरे शक्ति अरे बैठ मत मारो छोड़ दो इसे अरे छोड़ दो छोड़ जाओ छोड़ो छोड़ दो शक्ति ये क्या कर रहा है शक्ति शक्ति अरे पागल हो गया कि तू सुनो शक्ति को ये डील नहीं करनी चलो चलो भागो यहां से भागो निकलो यहां से चलो ये डील मैं तो क्या कोई दूसरा भी नहीं करेगा समझा वो लड़की को मैं नहीं जानता उस लड़की को अगर कुछ हुआ ना तो ए मुंह क्या देख रहा है चल भाग यहां से अबे सुन ऐसे लफंगों को मेरे पास लेकर नहीं आना मेरे जीने का उद्देश्य ही अलग है नहीं भैया अपने आप को बहुत बड़ा मर्द कहकर आप लोगों का अपमान किया किस्मत किस्मत काल का आया हुआ लौंडा चुटकी बजा कर बात कर रहा है इस सौदे को कौन करेगा ऐसा बोल रहा है ए क्या रे क्या बोलता है तू भैया सच बोल रहा हूँ क्या वो हिंजड़ा है क्यों रे वही ना हिंजड़ा ए शंभू तू भड़वाई नहीं कर रहा है ए शर्म कर शराब ने तुझको बर्बाद कर दिया महाकसम सच बोल रहा हूँ नारायण भैया का पाँव सॉरी भैया सॉरी बोलो भैया मेरे सौदे का अब क्या होगा तुम्हारे लिए ना सही उसको मारने के लिए मैं ये डील जरूर करूंगा रंगा कोई है ए, कौन कौन हो तुम मेरे घर में गुजारे हो
बाबूजी। जल्दी को ए घर की रानी, पेपर नहीं है बोल के नखड़ा कर रही थी ना, अब ये पेपर कहाँ से आया? ये मकान, ये पेपर मेरे हाथ में आ गया है, तुम सबको बाहर कर दूंगा। चलो घर को, हमारे मकान के पेपर ले जा रहे हैं बाबूजी, ले जा रहे हैं। क्या है, बड़ी आसानी से बोल रही हो? बद्रीनाथ बोले तो कोई मामूली इंसान समझती हो क्या? उसकी हर शाम सीएम और एचएम के साथ गुजरती है, ऐसे लोगों पर ऐसी सिली कंप्लेंट करोगी तो मैं एक्शन कैसे ले सकता हूँ? सर, ये सिली मामला है क्या? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, हम लोग बहुत हेल्पलेस हैं, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे वक्त में आप ही को तो हमारी मदद करनी चाहिए। मानता हूँ, सुनो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए, मैं हर दिन तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकूंगा? उस बंगले के लिए तुम्हारे पिता की हत्या क्यों नहीं हुई होगी, इसकी क्या गारंटी है? ये तो सिर्फ मेरा डाउट है। अब मुझे भी एक डाउट हो रहा है सर, मेरे पिताजी का खून करने में शायद आपका भी हाथ होगा। चलिए दादाजी। चलो बेटी। अच्छी तरह सोचकर कोई फैसला कीजिए। अब सोचने के लिए क्या रह गया है, हम ये मकान बेच बात कर यहाँ से चले जाएंगे, है ना बहू? बाबूजी, मेरा मन इसके लिए नहीं मान रहा है, हम इस घर में हैं तो वो हमारे साथ है, ऐसा एहसास होता है। मेरे घर को बचाइए, दया करके मेरे घर को बचाइए, दया करके बचाइए, दया करके बचाइए। हेलो। हेलो शक्ति। कौन बोल रही हो? मैं भूमिका बोल रही हूँ, हम लोग यहाँ परेशानी में फंस गए हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओ बद्रीनाथ कहाँ है? वो उधर टॉप फ्लोर पे। तो तू है बद्रीनारायण? तो अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, पकड़ो। गरीबों के घर खाली करके तू बिल्डिंग बनाएगा? ए, मुझ पर हाथ उठा। अरे तुम कौन हो? जानता तू? जानना चाहता है कौन हो? लोकल गुंडा हूँ। खुद को गुंडा कहता है। भूमिका के घर के पेपर देना। अबे जा, वो पेपर्स मेरा है, कौन है तू वो पेपर्स मुझसे मांगने वाला है? ए साला मुझे मारता है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। पुलिस को बुलाओ। अरे कोई है, जल्दी आ जाओ। अरे रमेश, देख चलो वो कहां भाग गया। देखता हूं गुरु। लड़की का घर के पेपर दो। अंतुरी पेपर दे दो। गुरु, मैंने तुझे क्या कहा था? किसी भी हालत में ये सौदा मत करना बोला था। अब तुझे क्या करूं? गुरु,
कुछ भी करो लेकिन मेरे सीने में मत मारना, दिल मेरा कमजोर है गुरु, लीवर खराब है, किडनी में पहले से पत्थर है गुरु, गुरु गुरु पीछे पाइल्स है गुरु, गुरु पाइल्स है गुरु, गुरु पीछे पाइल्स, पीछे पाइल्स है, ऑपरेशन कर देना। ऑपरेशन करने का डॉक्टर कहाँ है? मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ बेटा। ये क्या क्या गुरु, ये क्या कर दिया मुझे, अब 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 गुरु, ये लीजिए आपके घर के कागजात। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, बैठो काफी लाती हूँ। नहीं माँ जी, फिर कभी आऊंगा, कुछ काम है। बाय बाबूजी, ये घर हमसे छीन जाएगा ये सोचकर मैं डर रही थी। हमारे अपने कोई मदद के लिए नहीं आए, लेकिन वो पराया लड़का हमारे बहुत काम आया। अगर शक्ति न होता तो हमारी क्या गत होती, सब राघवेंद्र स्वामी जी की कृपा है। देखिए शक्ति, मैं आपको और करीब से जानना चाहती हूँ। मुझे याद है मंत्रालय से आते वक्त आपने मुझे एक बार भी बुरी नजरों से नहीं देखा। आपके साथ मुझे सेफ्टी, कॉन्फिडेंस, इन सारी बातों का एहसास हुआ। कोई भी मदद करता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, घर वालों को भी आप बहुत अच्छे लगे। घर पे मम्मी, टिन्नू, सब कोई आप ही की बातें करता रहता है। अगर आप नहीं होते तो हमारी मदद कौन करता, मुझे पता नहीं। आपसे एक और बात पूछनी थी, आपके साथ इतने सारे लोग जो रहते हैं वो सब लोग कौन हैं? मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ बात कीजिए ना। क्या बात करूं? मेरे दोस्त को उतना एक्सपीरियंस नहीं है मैम, आप ही को तैयार करना होगा। हाँ गुरु, मदन बार बार फोन करके तंग कर रहा है, क्या किया जाए, जरा बात कर लो उसे। हेलो, हाँ आता हूँ भाई, सिर्फ 5 मिनट। कोई काम आ गया है? एक छोटा सा काम है। तो ठीक है, चलता हूँ। शक्ति, मैं आपको बार बार फोन करके परेशान करती हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। बाय। गुरु, मैं हंस पड़ी। तुम्हारे बाप के लिए बियर और मंगाना चाहिए था ना? शक्ति से बात करना है, करना है कहता था ना, अब कर ले। ए, चुपचाप खा। ए, काय को छेड़ते हो उसको? अरे छेड़ छेड़ कही तो इस बुलबुल को पटाया है। ये ऐसे ही है शक्ति यार, तुम मुझको जानते हो ना शक्ति, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, फिल्मी हीरोइन जैसा डायलॉग है इसका। ऐसा क्या भाभी? तू कौन सा काम था, हाथ में जहर लेकर कहता था कि मुझसे शादी कर ले नहीं तो पीकर मर जाऊंगा। बेचारा मर जाएगा सोचकर शादी के लिए राजी हो गई। अच्छा, तू कौन सी कम थी, तू ही मेरा पति होगा इसलिए मंदिर में चक्कर काटा करती थी। तू तो मेरा नाम हाथ में गुदवा कर रो रहा था। वो तो प्यार करने के बाद पता चला कि तू कितना बड़ा गुंडा है, प्यार किया है इसलिए निभा रही हूँ। मैंने तेरे सामने तेरे गली के नौटक दादा का हाथ काटा था ना, इसलिए तू मुझ पर फिदा हुई, क्योंकि उस वक्त मेरा नाम ऊंचा था, जानती है ना, बीच में क्यों टपक रही है? सब कुछ जानते हुए तुम आपस में झगड़ते क्यों हो? हम कहाँ झगड़ा कर रहे हैं शक्ति, ये तो हमारी मोहब्बत का एक स्टाइल है। ये सब सुहागरात की महिमा है। सामने कहते हुए शर्म नहीं आती है। चल जरा चिकन तो मंगाओ। ए इधर सुन, अब मजा आएगा, वो मुझसे जोश में फुल मूड में प्यार का लड़ाई लड़ेगी। मुझ पर 16 मर्डर केस थे जानते हो ना, श्रीरामपुर यशवंतपुर से पुलिस वाले टॉर्च लेकर मुझे ढूंढ रहे थे, किसी दुश्मन ने खबर दे दी, वो भी पहली रात, सुहागरात शुरू होने की वक्त ही पुलिस का अटैक, अरेस्ट। अच्छी जी, क्या बोल रहा है ये? उसी गुस्से से इसने जो काटना शुरू किया जो अब तक चालू है। मैं ही नहीं, मेरी जगह कोई और होती तो वो भी यही करती। मैं हूँ जो तेरे जेल से आने तक का इंतजार करती हूँ, कोई और होती तो कब की भाग जाती। ये सच है गुरु, जेल में भी ये बिरयानी लेकर आती थी, हम जैसों को भी प्यार करने वाली है इसे देख कर एहसास हुआ। माँ जी, तुम तकदीर वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। तकदीर कहते हो? अरे यार, इसकी पूजा अर्चना के वजह से ही ये शरीर अभी भी चंगा घूम रहा है। क्यों रमेश, बाहर देखो तो एकदम नंबरी गुंडे लगते हो, लेकिन घर में एकदम साधु बने हुए हो। ये जिंदगी न जाने किस पुण्य का फल है, ये जिंदगी न जाने किसकी वरदान है। कभी कभी सोचता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ किसी अनजान शहर में सेटल हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, आमाल इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ता, फिर इसका मायका जो है। किसी के डर से भला
हमें दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? ये टेंशन अब मेरे लिए मामूली बात हो गई है। इसमें भी अनजाना सुख है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति सुरक्षित घर वापस आ जाए। उसे क्यों बता रही हो? उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ये क्यों नहीं समझेगा? शादी कर ले, फिर पत्नी सब समझा देगी। तुम सही तो कहती हो, लेकिन ना चाहता है मेरा दिल, एक ही गीत एक ही स्वर इस प्रीत के, जन्म सजना का साथ रहे। आज तो साकार हो जाए मेरा सपना, साथ रहो ये मेरी प्रार्थना। प्यार का प्यार ही करता है। जब मैं हाय बोलती हूँ तो हाय बोल देता है, और जब मैं कहती हूँ मैं घर जा रही हूँ तो अच्छा कह के सर हिला देता है। इतना ही नहीं, कॉफी पूछती हूँ तो कॉफी के लिए भी हाँ कह देता है। अगर वो इतनी कम बातें करेगा तो मैं बात आगे कैसे बढ़ाऊंगी? दीदी, फ्रेंडशिप बढ़कर प्यार में बदल सकती है, ओके ना? करना ही होगा गुरु। पानी सींच कर पौधे को जैसे बढ़ाते हैं, प्यार को उसी तरह बढ़ाना है। तेरे कहने का मतलब यह है कि मैं जाके प्रपोज करूंगा? और फिर मैं एक लड़की हूँ, मैं प्रपोज करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वही प्रॉब्लम है। अगर एक बोतल चढ़ा लूं तो एकदम हिम्मत आ जाएगी, उसको सामने देखता हूं तो हिम्मत पस्त हो जाती है यार। हम जैसों के लिए प्यार किस काम का, यही सोचकर मैं चुप हो जाता हूं। मेरी बात मानो, तुम चुप मत रहना। वो धोनी की तरह बाल लंबे रखे कितना स्मार्ट घूमता है, उसको ऐसे ही मत छोड़ देना। तुम उसको जाकर कह दो कि तुम उससे प्यार करती हो।
हेलो, मैं हूँ भूमिका। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे मिलेंगे? जरूर। गुरु ये बताओ, उसे मिलने के बाद खाने के लिए कहाँ ले जाओगे? अरे बेकार की बहस मत कर यार। जरा जल्दी चलाओ ना। हेलो, क्या हुआ? अरे बोल ना। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? क्या हंगामा हो रहा है? बिना सबूत तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए? अरे नागा भाई, अरे क्या हो गया? क्या हुआ है? चले घबरा नहीं, हमें तो सही। अरे शक्ति, 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 क्या हुआ? अरे कोई कुछ बोलता नहीं। मेरा प्यारा मुझे छोड़कर चला गया। मेरे साथ क्या अन्याय हो गया? शक्ति, उसने मेरे सर की कसम खाई थी कि वो गुंडा करनी छोड़ देगा, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ धोखा कर गया, मुझे विधवा कर दिया, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया। प्यारे हमेशा मुझसे कहता था कि अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। मैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूंगी? शक्ति, भगवान ने मुझ पर ऐसा अन्याय क्यों किया? भगवान कितना बेरहम है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान क्या करेगा, मत कर मत कर। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, लेकिन तूने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। गुंडों की पत्नियां और चोरों की पत्नियां कभी भी विधवा हो सकती। मैंने तुम्हें हजारों बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। कुली वाले से शादी करती तो वो तुम्हें भर जवानी में ऐसे छोड़कर नहीं जाता। इन बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। क्या होगा? अगर मेरी बात क्या होगा इन बच्चों का? शक्ति, क्या है गुरु?
एक और मौका दीजिए, उन हरामजादों के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। क्या फायदा उसका, वो पार्थेनियम का पौधा है, उसको काटेगा फिर से उग जाएगा। क्राइम ज्यादा हो गया, पुलिस वाले हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, तो डिपार्टमेंट का बुरा नाम होगा ना सर। आज के सारे अखबारों में यही लिखा है ना सर। कोई बात नहीं, लिखने दे, हम लोग चुप बैठेंगे तो गुंडा लोग अपने आप बाहर आएंगे। उस वक्त क्या होगा देखो, सिर्फ 2 महीने के अंतर में नारायण के भाई मोहन को शक्ति ने मारा, शक्ति के दोस्त माछी को नारायण ने मारा। अब इसमें हमको क्या परेशानी है? ये बात लोग थोड़ी मानेंगे। नहीं मानेगा तो क्या करेगा, उसमें भी हमारी पब्लिक खाया पिया सोया बस इतना ही करेगा, उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो, शक्ति का लोग नारायण को मार रहा है, नारायण का लोग शक्ति को मार रहा है, बचने वाले को हम मार देंगे, इससे अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा और शहर में शांति हो जाएगी। गुरु, तुमसे मिलने भूमिका आई है, बारिश में भीगते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे देखने के लिए सुन, उसे कह देना कि मैं यहां नहीं हूं, बोल दे। रमेश। हाँ भाई, उसको अंदर बुलाओ। उसे अकेली नहीं भेजना, किसी के साथ उसे ऑटो में भेज देना। दीदी, शक्ति को हर जगह खोजा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं रमेश, मैं नहीं मानने वाली, मेरा मन कह रहा है वो जरूर यहीं कहीं है। दीदी मैं सच कह रहा हूँ, हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं है, माँ की कसम। एक काम करो, कल मुझे फोन करो, वो कहाँ है मैं बता दूंगा। तुम इस तरह बारिश में भीग गई हो, अगर शक्ति को मालूम हुआ तो वो मुझे मार डालेगा। ऑटो। आइए दीदी बेटी। रमेश, हाँ हाँ, जैसे शक्ति आए उनसे कहना कि मैं आई थी। ए, सावधानी से ले जाकर घर तक पहुँचा देना। इस बार कैसे भी बचना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने यूपी बिहार राजस्थान दिल्ली से गुंडे बुलवाए हैं। रंगा, उसे खत्म करना है। गुंडों को पैसे चाहिए और हमें शक्ति का सर चाहिए। कल सुबह को शक्ति अय्यप्पा के मंदिर में माला पहनने वाला है। नहीं 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 नहीं। और कमाल का आइडिया दिया है, वाकई में ओल्ड इज गोल्ड। जिस गले में शक्ति माना पहनने वाला उस गले कोई काट देंगे और बोलेंगे स्वामी शरण अय्यप्पा। हेलो, मैं भूमिका बोल रही हूँ। दीदी ठीक हो ना? शक्ति मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं? दीदी क्या है वो? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ पता है? उनसे कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। कुछ दिनों से वो बिजी है दीदी। रमेश प्लीज झूठ मत बोलो, तुम भी मेरी परेशानी नहीं समझ रहे हो, शक्ति से बात करा दो। दीदी एक काम कीजिए, गांधीनगर में अपने समय का मंदिर है ना, वहीं आ जाइए। अय्यप्पा गुरु, दीदी आई है। शक्ति, कुछ बोलूंगी नहीं। क्या हुआ? अरे सबको
अरे जब भी आपस में छोड़ेंगे चलो। कौन है ये लोग, क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं? तुम अभी तक गई नहीं, यहां किस लिए आई हो? क्या बोलने के लिए आई हो? तुम क्या बोलने के लिए आई हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। दो बार तुम्हें बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा हीरो समझ बैठी हो, यही मेरी जिंदगी है। 24 घंटे जिंदगी और मौत से लड़ता रहता हूं। तुम एक अच्छे परिवार से आई लड़की हो, मुझे मिलना छोड़ दो। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चली जाओ। आज सुबह गांधीनगर के अयप्पा मंदिर के प्रांगण में शहर के दो गैंग में भिड़ंत हो गई, जिसमें दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चार लोगों की हालत गंभीर है और कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। शहर के नामी गुंडा सिद्धार्थ उर्फ शक्ति को मारने के लिए नारायण गैंग के गुंडों ने हमला किया था। इसके पहले शक्ति ने नारायण के छोटे भाई चक्रवर्ती को मार डाला था। तब से ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इस कारण शहर की शांति पूरी तरह भंग हो गई है। घटनास्थल पर काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनमें 5 तलवार, 10 स्टील की रॉड और कुछ देशी कट्ठे के कारतूस मिले हैं। पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज कर लिया और गुंडों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर ली है। देख लिया बेटी, हमारा उपकार करके सज्जन होने का नाटक करने वाला इंसान कितना बड़ा अपराधी है। इतना बड़ा हत्यारा हमारी आंखों में धूल झोंककर भला मानुस होने का दिखावा कर रहा था। बेटी, हमें लाख आफत आए पर हम उसे मदद कभी नहीं लेंगे। कहीं भी मिले बात मत करना, वरना मुसीबत होगी, याद रखना। हाँ बेटी, ऐसे राक्षस पर भरोसा करके मैंने तुम्हें उसके साथ मंत्रालय से यहाँ तक अकेला भेज दिया था। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। वो तो राघवेंद्र स्वामी ने हमें बचा लिया समझो, नहीं तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बेटी, ये सोचकर मैं तो कांप उठा हूँ। स्वामी ओम, स्वामी ओम, स्वामी ओम, स्वामी ओम, स्वामी। स्वामी, शक्ति स्वामी, इस तरह यहाँ क्यों खड़े हो? समय हो गया। क्या बात है स्वामी, इस तरह परेशान क्यों हूँ? अरे जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में क्यों सोचते हो? हम सब किस लिए हैं? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। चिंता छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा स्वामी। मैं भूमिका हूँ, मैं शक्ति से प्यार करती हूँ। शक्ति ने किसी से प्यार किया है ना प्यार करेगा, और कोई उसे प्यार करेगा भी नहीं। सिर्फ उसे जन्म देने के बहाने उसके ऊपर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता। मैं उस पर कोई अधिकार नहीं चला रहा हूँ, जिंदगी ने उसे सबक सिखाया है। जिंदगी के हालातों की वजह से शायद वो गुंडा बन गया है, लेकिन मेरे प्यार से बदलूंगी। तू नहीं समझेगी, तू अभी छोटी बच्ची है, उस मंजिल को तुम कभी नहीं पा सकती। कुछ पाने की इच्छा स्वार्थ है, पर अपना सब कुछ खोना ही प्रीत है। ये ले ले लो।
सुना कर जीने वाले, हम राम का सुना कर जीने वाले, अहिंसा राह पे चलने वाले सदा, अहिंसा की राह पे चलने वाले। पूजा पाठ भी अच्छी तरह से हुई और भोजन भी स्वादिष्ट बना था। सुन बेटे, तेरे बारे में हम तो निश्चिंत हो गए हैं, क्यों है ना? लेकिन सिद्धार्थ के बारे में थोड़ी चिंता जरूर है। बचपन से मैं इसे कहता आ रहा हूं कि अपना खानदानी धंधा राम कथा छोड़, उसे शहर ले जाकर एक रास्ता बता देना बेटे। बाबूजी, सिद्धार्थ के बारे में अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। ओ क्यों माधव भाई, क्या बात है, सबको खाना खिला रहे हो, किस खुशी में? अरे अपना बड़ा बेटा आया है ना, खुशी में आ जाओ बैठो। अरे भैया, राजपाल ने बुलाया इसलिए मैं चला आया। क्यों राजपाल, सब ठीक है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? भगवान की मेहरबानी है। अच्छा ये बताओ कैसे याद किया? बोलता हूँ, अगले हफ्ते बेंगलोर में मैंने एक भारी समारोह का आयोजन किया है। उसमें ढोल, पूजा नृत्य, कलाकृति सब कुछ मिला के हमारी कला, हमारी कलाकृति, हमारी सभ्यता सबका अच्छा प्रदर्शन करूंगा। आपको भी जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा मैं। ओहो, मेरा बेटा गिर गया, कोई ताओ बचाओ इसे, मेरा बेटा गिर गया। ओ भैया तुम आओ, मेरा बेटा गिर गया, बचाओ इसे कोई। क्या हुआ यहां? अरे कोई तो आओ। क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? इस बच्चे की हालत देखकर मेरा कलेजा दुख रहा है। इतने लोग यहाँ मौजूद है, कोई भी नहीं मदद कर पा रहे। क्या हुआ इस बच्चे को? इधर आ, बोल बोल क्या हुआ इसका? इसके लिए जिम्मेदार तू है। जवाब देने वाला वो नहीं चक्रवर्ती, तुम हो। आज के दिन इस बच्चे की मौत का कारण तुम हो, तुम हो, तुम हो। मैं इस एरिया का कॉर्पोरेटर हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन डूब रहा है, ये सब मैं कैसे देख पाऊंगा? देखना चाहिए। इस मोहल्ले में काम करोगे समझ के लोगों ने वोट देकर तुमको कॉर्पोरेटर बनाया, और तुम सरकार का दिया सारा पैसा खा गए और उस गटर का काम आधे में छोड़ दिया, और इस गरीब के मरने की वजह उसको बता रहे हो। तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा। जबान का डालूंगा तेरी मैं। मेरे मालिक ने पैसा खाया, तूने देखा? देखा है। चुप्पे, तेरी औकात बताऊं? बिजली नहीं है तो ईबी वालों का गाली निकालते हो, पानी नहीं है तो पानी सप्लाई बोर्ड का गाली निकालते हो। तुम्हारा खेल सब मैं नहीं जानता हूं क्या? और अब ये जो तुम गंदा खेल खेले हो ना, इसको मैं गवाहों के साथ साबित करूंगा। देख देख देख, देख इसको। ये मेरे गवाह है। 5 महीने में गटर का काम खत्म करता बोल के काम लिया, अब 1 साल हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? अबे चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? पैसा कम हो गया ऐसा? पैसा कम हो गया? ये तेरा बनाया हुआ प्लान है, और इसमें जितना तूने रेट कोट किया है सरकार ने उतना पैसा तेरे को दे दिया है, मगर काम पूरा नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? मेरे हाथ में क्या है सर? सब इनके हाथ में है सर। मतलब जैसा ये कहते हैं वैसा ही करता हूँ। देख लिया आपने, बारिश होती है तो बारिश का पानी घरों में घुस जाता है, बच्चे गटर में डूब के मर जाते हैं, यही रोना है ना आपका? अब समझे इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे लोगों का गरेबान पकड़कर इनसे पैसे का हिसाब पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। लोगों को भड़का के मेरे सर पे बैठना चाहता है तू? ये ठीक नहीं होगा, बहुत मुसीबत उठाएगा, सोच ले। तेरी धमकियों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। देखो अभी वक्त तुम्हारे पास है, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो खाया वो पैसा निकालो और रुके हुए गटर का काम पूरा करो। उतना ही नहीं, मरी हुई बच्ची के परिवार को 1 लाख रुपया अपनी जेब से दो। नहीं दिया तो? नहीं दिया? अर्थी नहीं उठाएंगे, सब लोग हड़ताल में बैठेंगे, प्रेस वालों को बुलाएंगे, देखेगा। क्यों भाइयों? हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे, हड़ताल करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, हड़ताल करेंगे। पब्लिक के सामने उसने आपके भाई का इंसल्ट किया, अगर उसे हम यूं ही छोड़ दें तो कल आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। हमने कहीं लोगों पर भरोसा करके कॉर्पोरेटर बनाया,
मगर किसी ने भी हमारी तकलीफों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सरकार से मिलने वाले पैसे को खाते रहे। आज जो हमारे इलाके में पानी, बिजली, साफ सफाई जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है सिर्फ राज्यपाल। आज आप लोगों के होठों पर जो हंसी है उसका भी कारण है राज्यपाल। समारोह उत्सव कहे तो केवल इंग्लिश डांस और ऑर्केस्ट्रा, लेकिन हमारा ये राज्यपाल हमेशा अपनी कला और संस्कृति को प्रस्तुत करता आ रहा है। नेत्रदान शिविर, रक्तदान शिविर और हर गरीब बच्चे पढ़ सके, इसलिए गांव-गांव में किताबें, कपड़े और दवाइयां बांटता आ रहा है। मैं राज्यपाल भैया से निवेदन करता हूं कि ये दो शब्द बोल लें। मेरे प्यारे लोगों, आज के दिन आप लोगों ने मिलकर जो मुझे सम्मान दिया है उसका मैं आभारी हूं। सच बोलूं तो ये जो सम्मान है इसके अधिकारी मेरे माँ बाप हैं। ये जो सम्मान है मैं उन्हें समर्पित करता हूं। माँ जी, बाबूजी, आइए। शक्ति, उनको लेकर आओ। हाँ ठीक है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। मेरे बच्चे। क्या हुआ बाबूजी? मेरे मन में बोलने की इच्छा हो रही है। बोलो। जी, माइक माइक बोलिए। सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। हम लोग देहाती लोग हैं, हमें महान समझकर इस सभा में बुलाकर हमारी प्रशंसा की। मुझे बहुत दिनों से एक इच्छा है, हमारे कष्ट के दिन हमारे साथी खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे परवान चढ़ेंगे, तरक्की करके बहुत बड़े आदमी बनेंगे। मेरे बच्चे को आप लोग इतनी इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, इसका कैसे मैं धन्यवाद करूं, मैं समझ नहीं पा रहा। लो, तुम भी कुछ बोलो। अरे बोलो ना, नहीं, लो, लो, नहीं बेटे, लो, बोलो। मैं क्या बोलूं? मेरे पूर्वज यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हम पति पत्नी भी इस मुकाम तक नहीं आ पाए, लेकिन मेरे बेटे राजपाल ने आज हमारे सपनों को साकार कर दिया। मेरा बेटा राजपाल आप लोगों के आशीष से 100 साल सुख से जिए, ये आशीष आप दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। Yeah.
भैया ये सब क्या हो गया है? राजपाल के भाई शक्ति से भाई आप पकड़ने से कुछ नहीं होगा, पैसे का इंतजाम कीजिए ताकि अच्छा वकील करके आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जाइए जल्दी जाइए। शहर बोलते थे, क्या दिया शहर ने, एक आंख छीन ली, दूसरी आंख रहते हुए भी बेकार हो गई। चिंता मत करो, कैसे भी करके मैं अपने बेटे को जेल से बाहर लाऊंगा। बर्बाद होकर शहर जाते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम शहर आकर बर्बाद हो गए। हमारे पास बचे हुए पैसे क्या हमारे बेटे को बचाएगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे मत बोलो, भगवान भगवान हमारे साथ है, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा होगा। सेंटर जला गया भाई, जिनको उतरना उतरो, जल्दी जल्दी उतरिए उतरिए, सेंटर जला गया, उतरिए भाई साहब, आपको यही उतरना ना, उतरिए। सुनो चलो चलते हैं, हमारा स्टाफ आ गया है। अरे भाई उठो, चलो पारू 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 उठो, पारू पारू, मेरी बीवी को क्या हो गया देखो। संभल के संभल के लो भाई, संभल के लो, उनकी तबीयत खराब है। हाँ संभाल के, अरे संभाल संभाल संभाल, हाँ हाँ धीरे से भैया, धीरे से संभाल के भाई साहब, ये अपना थैला पकड़िए प्लीज। चलो भाई चलो 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 भाई, राइट राइट राइट। बेटे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ देख बेटे, तेरी माँ मर चुकी है। अरे वो मेरे बच्चे को बाहर छोड़ो, उसकी माँ से मिलने दो, उसकी माँ मर चुकी है। सिद्धार्थ अरे तू मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेहरबानी करके मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर जोड़ता हूँ। तुम ही सिद्धार्थ हो ना, तुम्हारी माँ मर गई, उसकी लाश बाहर रख, तुम्हारा बाप रो रहा है। नहीं भैया मत मारो भैया,
अरे ये कहाँ गया, तू बाहर नहीं जा सकता है, ले जाओ ले इसे, अंदर जाओ, जाओ जाओ, यहाँ नहीं रहना, जाओ दरवाजा, जाओ जाओ, बाहर नहीं जा सकते, चलो चलो चलो, साहब जाने के लिए लेकर के मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, ए इंस्पेक्टर, वो बहुत ही भोला भाला लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी माँ मर चुकी है, उसे मिलने के लिए छोड़ दे। ए कम से कम ले जाके दिखा के तो आ। चुपचाप बैठो, जब नहीं जानते तो मत बोला करो, इसने नारायण के छोटे भाई को मार डाला है, अगर बाहर छोड़े और ये भाग गया तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी, ले चलो इसे अंदर, चल अंदर, अबे चलो अंदर, चलो अंदर, शक्ति, शक्ति, इधर इधर, ए कम, ए इधर देख, अच्छा एक मिनट, ए आजा, कहाँ, चल जा रही, चल चल आजा, वो रही तुम्हारी माँ, अंतिम दर्शन कर लो। मुझे नमस्ते गुरु, मैं सर्कल का रमेश हूँ, आपसे मिलने के लिए स्पेशल परमिशन लेकर इन सबको लेकर आया हूँ। चरकी और उसका भाई बहुत सर उठा लिया था, उनको मारकर आपने बहुत अच्छा काम किया है। गुरु तुम्हें ही हम लोगों का बॉस बनना चाहिए। गुरु इस शहर में रहने वाले हर राउडी आपकी बात मानेगा। देखो भाई, तुम चुप रहोगे भी तो वो चुप रहने वाला नहीं है। तुमने नारायण का पांव काट डाला, उसके छोटे भाई को भी मारा, तुम्हें जीना है तो तलवार उठानी ही पड़ेगी। भूल गए कि उसने तुम्हारे भाई को मारा था? उसके बदले में क्या तुम्हें बदला नहीं लेना है क्या? अगर तुम उसे नहीं मिटाओगे तो वो तुम्हें मिटा डालेगा। अरे ये तो दिखने में अपने पुराने दादा शक्ति जैसा लग रहा है ना? हाँ? ये क्या कह रहा है, क्यों ऐसा ही है क्या? देखो इस तरह से सर हिलाने से काम नहीं चलने वाला है। तेरा नाम शक्ति जरूर है पर अब तेरे अंदर शक्ति नहीं रही, बेहतर यही होगा अब फिर से शक्ति पैदा कर। क्या कहते हो भाई? हाँ गुरु, शक्ति अच्छा नाम है। अरे हाँ बिल्कुल सही, शक्ति बहुत अच्छा नाम है। शक्ति हो। आप शक्ति हो, अच्छा हम आपको शक्ति बुलाएंगे। दादा शक्ति, शक्ति दादा। आप मुझे ये बताइएगा, किसी का खून करने के बाद हत्यारे का नाम लेके जेल जाना सही होगा? वो बुरा आदमी नहीं है, वो खूनी भी नहीं है, पर उसे ऐसा बनने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं आप? अगर आप चाहें तो आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। तू पागल हो गया ये क्या? किसी भी हालत में उठाया कदम पीछे रखने के लिए मत बोल। अपनों को गवा कर जीने का एहसास तुझे कैसे हो सकता है? देख, जो हाथ जुन के खिलाफ उठे वो कभी नीचे नहीं होंगे। जी, खून खराबा तो जैसे आपकी जिंदगी का मकसद बन गया, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपकी जगह पे उसकी माँ होती तो क्या उसकी जिंदगी ऐसी बर्बाद होती या उसे खूनी बनने देती या अपने बेटे को फांसी पे लटकता हुआ देखती? मैं शक्ति को कैसे बदलती हूँ आप देखिए। एक बात और सुन लीजिए,
शायद आप अपने बेटे को बदलता हुआ नहीं देख सकते, पर मैं उसे जरूर बदल के दिखाऊंगी समाज के लिए। हेलो रमेश। हाँ मैं बोल रहा हूँ। शक्ति आ गया क्या? हाँ सुबह आया। मुझे उससे मिलना है। हाँ दीदी, आज कैसे भी हो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। गुरु ये मीनाक्षी का घर है, कपड़ा ढालकर सिग्नल देगी, रेड यानी रेडी, ग्रीन यानी अटैक। शादी करूंगी तो मैं विधवा बन जाऊंगी, मेरी जिंदगी में रंग नहीं रहेंगे, यही था ना तुम्हारा डर? पर एक बात जान लो, मन ही मन में मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं। अगर तुम मुझसे दूर रहे तो अभी मैं अपने आप को विधवा ही मानूंगी। मेरी बात तो बस करो, किसी के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जब मैं मुश्किलों में थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेरी मदद के लिए सिर्फ तुम आए। मेरे लिए तुम मुख्य हो, पड़ोसी रिश्तेदार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बस तुम्हारे नाम का सिंदूर मेरी मांग में चमके, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारे पीछे अगर मुझे कोर्ट और कचहरी के चक्कर मारने पड़े तो मैं उसके लिए भी आज से तैयार हो जाऊंगी। मेरा पति गुंडा है बोल के मेरे बच्चों को स्कूल में सीट नहीं मिलेगी तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। एक बात और जान लो शक्ति, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं, किसी के लाइफ की कोई गारंटी नहीं। ये सोचिए अगर मैंने किसी से शादी की और आकस्मिक रूप से उसकी मृत्यु हो गई तो ये सोच के मैं क्यों डरूं? आने वाले कल के बारे में सोच के अपनी जिंदगी के इस पल को मैं क्यों बर्बाद करूं? मैं चाहे कहीं भी जाऊं मेरे मन में सिर्फ आप बसे हैं, आपने मेरे मन में जगह बना ली है। अगर आपने मेरी मांग नहीं सजाई तो ये मांग हमेशा सुनी ही रहेगी। अशुभ मत बोल मेरी बच्ची, तू मेरी मासूम बच्ची की तरह है, उम्मीद अच्छी रख अच्छा ही होगा। लो अपनी मांग सिंदूर से भर लो। आपकी बात मानूंगी, मांग भरूंगी, मैं पूरे 16 सिंगार भी करूंगी, लेकिन जब शक्ति हाँ कहेगा उसके बाद ही। देखो शक्ति, तुम्हारे जीवन में तलवार जरूरी है लेकिन मेरे जीवन में तुम्हारा प्यार जरूरी है। मेरे मरने तक, मेरे प्यार के मरने तक, जब तक तुम मेरी मांग में सिंदूर नहीं भर देते मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। कैसे इस जंग में लोग दुनिया में कयामत होगी, मरेंगे मरेंगे सब लोग, यहाँ फिर प्रीत प्यार कैसे रहेगी? मौत का होगा रुद्र तांडव 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 तांडव, फिर किसका होगा जीवन 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 जीवन, इसलिए ये प्रीत प्यार। कैसे कैसे इस जंग में लोग दुनिया में कयामत
ये लोग कुछ भी करे प्यार की देवी बचा लेगी, याद रखो तू है मेरा प्राण। छूट दे ये प्यार कहाँ रहेगा, फिर छूटे ब्रह्म में क्यों बसना। तू ही है मन में मेरे बांधे की, तू ही है तू। अन्याय की अपनी रक्त की गोली एक साथ मारो। शक्ति रे शक्ति शक्ति मेरे शक्ति मेरे शक्ति शक्ति मेरे रे। कैसे कैसे इस जग में लोग ये दुनिया में कयामत होगी, मरेंगे मरेंगे सब लोग यहाँ पे, फिर प्यार कैसे रहेगी। पल का भी प्यार मिले या फिर तेरी बाहों में मर जाऊं। कैसे कैसे इस जग में लोग ये दुनिया में कयामत होगी, मरेंगे मरेंगे सब लोग यहाँ पे, प्रीत प्यार कैसे रहेगी। शक्ति शक्ति, नारायण के कुत्ते आ रहे हैं, कहो तो। सुनहरा मौका है, सालों को रास्ते में ही काट के फेंक देते हैं। ए तलवार निकाल, क्या कहते हो शक्ति? इस दिल में नफरत की जगह प्यार भरा हुआ है, अब मैं इसे दबा के नहीं रखूंगा। बेचारी भूमिका, वो मेरी वजह से तड़प रही, मैं देख नहीं सकता। इस एहसास को मैं मरने नहीं दूंगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूमिका चाहिए। लेकिन ये सब पहले सोचना चाहिए था। चक्री और उसका भाई को हम पर छोड़ देते, हम देख लेते उन्हें। हम लोग तो तलवार लेकर ही पैदा हुए, लेकिन तुम तो बीच में ही आए हो, बीच में से ही चले जाओ। तू चुप कर, शक्ति का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगर अभी हम लोगों ने तलवार नहीं उठाया तो शक्ति के नाम का क्या होगा, बोल। अरे चुप रहो गुरु, उन चूहों से डर रहे हो? ए मुझसे जवान लड़ा रहा तू, मैं तुझे काट के फेंक दूंगा। शक्ति, तुम्हारा नाम पूरे बाजार में चल रहा है, उस नाम को हमें बनाए रखना है। एक लड़की के लिए तलवार छोड़ रखी है, देखो नाम है तो हजार लड़कियां मिलेंगी तुम्हें। छोड़ दिया तो हम सब का खेल खत्म, हम सब डमी हो जाएंगे। मुझे किसी भी हालत में तुम्हारा तलवार छोड़ना पसंद नहीं। अबे वो नागपाल, चुप हो जा, तुझे तुम मजबूर नहीं कर सकते। हमारे लिए अब तक तो कोई शक्ति बना रहा है, अब इसे अपनी खातिर सिद्धार्थ बन के जीने दे, छोड़ दे इसे। सिद्धार्थ, जिस बाप ने तेरे हाथ में तलवार दी थी वही बाप बोल रहा है, तुमने जो फैसला लिया है वही ठीक है। भूमिका बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर सिद्धार्थ की माँ जिंदा होती तो क्या उसके हाथ तलवार देती? उसने मुझसे सवाल किया, मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था बेटे, नहीं था। वही तुम्हारी जिंदगी संवार सकती है, तुम जाओ। वाह, इसका मतलब अब हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है, चलाओ अपना दरबार। अरे नागपाल, मेरे बच्चे सुन मेरी बात। अरे जाने दीजिए चाचा जी, मैं उसे समझा दूंगा। गुरु तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तुम यहाँ से जाओ बेटे, शक्ति बनके नहीं सिद्धार्थ बनके, सिद्धार्थ बनके जाओ बेटे, जाओ। Oh,
रमेश, साथ नहीं दोगे तू मेरा? हाँ, अरे काट डालूंगा, काट डालूंगा तुझे। क्या समझते तू अपने आप को? उस शक्ति को मैंने पला किया है, मेरी वजह से वो बड़ा बना। आज उस लड़की के लिए वो मेरे को छोड़ रहा है। अरे तू समझता क्या है अपने आप को? और तू उसका साथ दे रहा है? काट डालूंगा कमीने, ले हट। हमने जिंदगी में गुंडागर्दी के अलावा कुछ भी नहीं किया। गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो अपना पेट कैसे पालेंगे? क्या पुलिस हमें जीने देगी? कभी नहीं। कोई भी हमारे खिलाफ आएगा तो उसको भी मैं काट डालूंगा और सबको हमारा साथ देना होगा। वो सलाह शरीफ बनना चाहता है। शक्ति, ये क्या हो गया? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ बोलो शक्ति। शक्ति, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ठीक हूँ। शक्ति, शक्ति नहीं, मैं शक्ति नहीं, मैं मैंने सारी गुंडागर्दी छोड़ दी है। मैं पुराना सिद्धार्थ बन के आया हूँ भूमिका। हाँ, हाँ, मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी। इसके लिए तुमने सारे संसार से दुश्मनी मोल ली। देखो, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश थी, मैं तुम्हारी मांग भरने के लिए सिंदूर लाया हूँ। जाओ, अब ये विधवा का लिबास क्यों? जाओ सिंगार करो, सिंगार करके दुल्हन की साड़ी पहनकर आ जाओ। भूमिका, जाओ, इन इन सोने हाथों में चूड़ियां पहनकर आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि बस एक पल के लिए तुम मेरी मांग में सिंदूर भर दो तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी, और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। तुम जियोगी भूमिका, तुम मेरे लिए जियोगी, मेरे प्यार के लिए जियोगी भूमिका। मैं चाहती हूँ इसी पल मेरी जान निकल जाए। भूमिका, मेरे दुश्मन से शादी करेगी तू? ये मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मैंने चाहा बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी हाथों में मेरी जान जा रही है। और आज तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हजारों साल जीऊं, पर ऐसा नहीं हो सकता। आज तुमने मुझ पे एहसान किया है, अपने प्यार की भीख देकर। जिंदा रहते हुए तो मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला, पर मेरी मौत ने मुझे तुम्हारा प्यार दे दिया। शक्ति, आ
भूमिं विश्वतो रत्वाम् अत्यदिस्तद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदघं सर्वम् यद्भूतं यश्च भव्यम् उथामृतत्वश्लेषाः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा। नरहर भाई, शक्ति पूरी तरह पागल होकर शमशान में बैठा हुआ है। इस वक्त उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसको खत्म करने का यही एक अच्छा मौका है। लव फीलिंग हो? अरे उस मुर्दे को उठा के मार दूंगा, फीलिंग ही खत्म। एरंगा, इसका सिंदूर मिटा दे, फूल को आके कुचल दे, पूरा बदन ही कचरा है, हटा हटा। मेरे बच्चे को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं छुएगा, मैं किसी को हटा। तुम्हारी आत्मा को शांति दे बेटी। चौदह शक्ति